आगे क्या है हमारा, क्यूबिक कैपेसिटी और सीसी ऑफ इंजन। कभी भी आपने देखा होगा, जैसे आपके पास बाइक होती है, ठीक है, बाइक में यहाँ पे सीसी लिखा होता है, मान लो 150 सीसी लिखा हुआ है, 150 सीसी लिखा होता है, या फिर ये इंजन है आपका, ठीक है, जिसमें 200 सीसी लिखा हुआ है सीसी, तो इसका मतलब क्या होता है, कभी सोचा होगा दिमाग में आधा आया होगा, जैसे 200 सीसी यानी 150 सीसी, 150 सीसी होता क्या है ये एक्चुअली में। तो इसका मतलब मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा, देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या हो गया आपके दिमाग में आया। तो देखो ये सिलेंडर है, सिलेंडर में देखो सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर कर दूं, उसके बाद में मतलब भी क्लियर करूंगा। सिलेंडर के अंदर ये इनलेट वाल्व है, ये वाल्व है, ठीक है, ये वाल्व है, इनलेट वाल्व है, ये भी वाल्व है, ये स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या रहा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बिटवीन टीडीसी टू बीडीसी इज नॉन एज सीसी और कैपेसिटी ऑफ इंजन, ठीक है, मतलब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है, कितना वॉल्यूम ले रहा है। मान लो कोई भी सिलेंडर है, उसके अंदर कितना वॉल्यूम, वॉल्यूम तो आप जानते हो, मान लो किसी का अगर वॉल्यूम निकालोगे, आयतन निकालोगे, तो लेंथ इनटू मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हाइट होता है, ब्रेथ होता है, एंड लेंथ होता है, तो इस तरीके से, तो हम वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है सिलेंडर, कितना वॉल्यूम, मतलब जैसे मान लो फ्यूल, और फ्यूल को लिया उसने, फ्यूल को जैसे पेट्रोल डीजल को कितना ले रहा है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है, तो डिपेंड करेगा जो उसका स्वेप्ट वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, ना कंप्रेशन रेशियो पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो हमारा डेफिनेशन जो हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी इज नॉन सीसी और कैपेसिटी। अब यहाँ को क्लियर समझ में नहीं आया होगा, तो आप देखते हैं आगे क्लियर कैसे समझ में आएगा। तो मैं आपको क्लियर यहाँ पे एक क्वेश्चन बता दूं, कुल क्वेश्चन क्या बनता है, अगर मोर सीसी होगा, मान लो कि मोर सीसी है, अगर ज्यादा है तो मोर पावर बनेगी, समझ में आ गया। जैसे मान लो आपके सामने है 150 सीसी, 150 सीसी, तो लेस पावर होगी, लेस पावर जनरेट करेगा, एंड आपके सामने 200 सीसी है, तो ये मोर पावर करेगा एज कम्पेयर टू 150 सीसी, मोर पावर, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सिलेंडर की कैपेसिटी है ना वो ज्यादा है, क्योंकि सिलेंडर हमारा जो वॉल्यूम है, जो पेट्रोल डीजल है, उसको ऑक्यूपाइड ज्यादा कर रहा है, ऑक्यूपाइड मतलब रख रहा है उसको, ठीक है, उतना वो स्टोर करके रख रहा है उसमें, क्या कहते हैं, सिलेंडर के अंदर, ठीक है, ये चीज होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन, हम जैसे ये वाली जो पिछली वाली डेफिनेशन थी वो क्या थी, उसमें क्या कर रहे थे हम, सिंगल सिलेंडर की बात कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीपल सिलेंडर की बात करेंगे, ठीक है, मल्टीपल सिलेंडर, मल्टीपल सिलेंडर, चीजें समझना जो एग्जामिनेशन में आती है सीधी। देखो तो यहाँ पे कह रहा है, द डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मल्टीपल बाई नंबर ऑफ सिलेंडर इन एन इंजन विल गिव द क्यूबिक कैपेसिटी और इंजन कैपेसिटी, ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से आप समझ रहे हो कि अगर ये पिस्टन मेरा यहाँ से अगर ऊपर तक जाता है, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितने सिलेंडर है, यहाँ पे एक सिलेंडर है, ये दो सिलेंडर है, तीन सिलेंडर एंड फोर सिलेंडर, फोर सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मल्टीपल बाई नंबर ऑफ सिलेंडर, तो मल्टीपल मल्टीपल सिलेंडर में डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ सिलेंडर में, तो उसको बोलेंगे क्यूबिक कैपेसिटी और या फिर इंजन कैपेसिटी बोलेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है क्यूबिक कैपेसिटी का, वो ध्यान से देख लीजिएगा, वो होता है वी एस इंटू के, ठीक है, वी एस इंटू के होता है, वी एस इंटू के, ये फॉर्मूला है। अब वी एस मैं आपको बता चुका हूँ, आपको वी एस होता है, वो होता है आपका स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम ए इंटू एल होता है, ए क्या होता है, ए इंटू एल तो स्वेप्ट वॉल्यूम होगा, एन के का के उतार दिया मैंने, ए क्या होता है, पाई फोर डी स्क्वायर हो गया, इंटू एल हो गया इंटू के, तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा सीसी का, ये सीसी का फॉर्मूला है। वी एस हो गया यहाँ पे स्वेप्ट वॉल्यूम, के हो गया नंबर ऑफ सिलेंडर, एंड डी हो गया बोर डायमीटर, एंड एल हो गया स्ट्रोक लेंथ, ये सीधा डायरेक्टली आपको एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि क्यूबिक कैपेसिटी निकालो, ठीक है, ये चीज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वो देखिए, देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन, हम बाद में देखेंगे, थोड़ा सा हम इससे पहले थोड़ा सा हम जान लें कि चीजें हैं क्या एक्चुअली में। आपके सामने जैसे मान लो कि आपके सामने दे दिया सीसी का मीन्स, मैं आपको के लिए बता दूं, सीसी मीन्स जो मैंने बताया वो क्यूबिक कैपेसिटी है, ठीक है, क्यूबिक कैपेसिटी फुल फॉर्म तो बता दिया, जैसे 1000 सीसी लिखा हुआ है, 1000 सीसी अगर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब,
1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब आप समझ रहे हो, जैसे मान लो कि ये हो जाएगा अपना 1 लीटर का, 1 लीटर इंजन सिलेंडर, इंजन सिलेंडर। ठीक, एक इंजन 1 लीटर का सिलेंडर हो गया हमारा, अगर 1000 सीसी अगर आपका लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका मतलब हो गया 1 लीटर का सिलेंडर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं आपको क्लियर बता दूं, क्वेश्चन देखिए क्या करा। 1200 सीसी का एक कोई भी इंजन है, 4 सिलेंडर है उसके अंदर। ठीक है, कितने सिलेंडर है, जैसे एक सिलेंडर है, दो हो गया, तीन, चार, ये कितना टोटल जो नंबर ऑफ है वो 1200 सीसी का है, 1200 सीसी का सिलेंडर है टोटल इंजन जो है 1200 सीसी का है। ठीक है, तो हर एक इंजन के मतलब पर्टिकुलर सिंगल सिलेंडर की अगर हम कैपेसिटी निकालें अगर, तो कैसे निकालेंगे वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कितना आंसर आएगा वो देखते हैं। अपने पास कितना है, 1200 सीसी। ठीक है, 1200 सीसी आपके पास है, तो 4 से आप भाग दे दो, 4 से भाग दे दो, 4 × 12 = 300। तो पर 300 सीसी का पर ईच सिलेंडर निकलेगा, ईच सिलेंडर। ठीक है, 300 सीसी का पर ईच सिलेंडर निकलेगा, इट मीन्स यहां पे अपना जो हो जाएगा वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, 300 सीसी पर इंच का, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो स्वेप्ट वॉल्यूम, ये हमारा ए आंसर हो जाएगा। देखो समझो पहले, ध्यान से देखिए, ये कह रहा है स्वेप्ट वॉल्यूम, तो हमारा इससे हमें मतलब पता चलता है कि स्वेप्ट वॉल्यूम ईच सिलेंडर 300 सीसी, 300 सीसी हो गया। ठीक है, ऐसे निकालेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं लूँ, अगर मैं आपको बता दूँ कि अगर जैसे मान लो कि हमारा 2000 सीसी का कोई भी इंजन है, 2000 सीसी का, 2000 सीसी का है, 2000 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन, 4 सिलेंडर इंजन है, तो आप पर इंजन कैसे, पर इंजन की जो सीसी निकालोगे वो कैसे निकालोगे, 4 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 4×5 = 20। ठीक है, 2000 नहीं लिखा, 20,000 लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा गलत हो गया थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, 2000। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 4×5 = 20 और 0,0, 500 सीसी पर इंजन, इंजन सिलेंडर, पर सिलेंडर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पर सिलेंडर हो गया, तो इट मीन्स 1/2 लीटर का आपका सिलेंडर होगा, एक जो सिलेंडर होगा, जो एक इंजन का सिलेंडर होगा वो 1/2 लीटर होगा, अगर आपको दे दिया जाए कि 2000 सीसी का सिलेंडर पूरा इंजन है। ठीक है, आप बात क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, वीडियो के बारे में बताना कि कोर्स बहुत अच्छा है, चल रहा है, सभी लोगों को बताना है आपको, और कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है तो चैट में, चैट ऑप्शन आपको दे रखा है उसमें भी चैट करिए, कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मुझे बोलना ज़रूर कि सर ऐसे ऐसे कोर्स है, इसमें ये वाला जो पार्ट है इसमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा चैनल भी है MRK स्टडी के नाम से, जो कि आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, यूट्यूब पे है, तो वो भी देखिएगा, जैसे आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये प्रीमियम बैच है अपना, और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या क्या चीज़ हो सकती है, बढ़िया तरीके से करवाते हैं आपको पूरा का पूरा, तो फॉलो करिएगा और सभी लोगों को बताइएगा जरूर। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना सभी लोगों को, और जो भी लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर PSU एग्जामिनेशन की, जैसे RRB JEE या DRDO CBDT या फिर SSC JEE, इंडियन कोस्ट गार्ड, इसरो, बार्क, NPCIL, IOCL, ONGC, ऑल PSU, तो मैं जितने भी PSU उसके सभी की तैयारी करवाता हूँ, ज्यादातर मैं PSU की तैयारी करवाता हूँ। ठीक है, और RRB अपना जो नेक्स्ट जो टारगेट है वो RRB JEE का है, तो अच्छे से तैयारी करिए, मैं पूरा आपको अच्छे से तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, चलो, हमारे एक फाउंडेशन कोर्स है जो कि आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, जो भी लोग 2022 के पास आउट है, ठीक है, सॉरी, जो भी लोग नए हैं, जो लोग शुरुआत से तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो मैंने मैकेनिकल फाउंडेशन कोर्स बनाया, बहुत ही सस्ता कोर्स है, सिर्फ 99 रुपीज में मैंने बना रखा है। ठीक है, आप उसके वीडियो को देखिए डाउनलोड करके, आपको पसंद आए तो लीजिए, नहीं पसंद आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक बार देखिए तो सही, दो वीडियो मैंने उसमें ओपन कर रखी है जो कि अभी लॉक नहीं लगा हुआ है उस पर, ठीक है, बाकी सब लॉक लगी हुई है, तो आप एक बार देखिएगा, मैंने IC इंजन को शुरुआत से स्टार्ट करा है, तो आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, चलिए।